आज हम बनाएंगे मकर संक्रांत के लिए बहुत ही फेमस जयपुर की चमचम गजक। ये गजक खाने में इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही ये घुल जाती है, यानी कि बिना दांत वाला व्यक्ति भी इसे बहुत ही आसानी से खा सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने किचन क्राफ्ट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं हितल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। चमचम गजक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप सफेद वाले तिल लिए है। आप मेजरमेंट के लिए आपके घर में रखे कोई भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक लेंगे और तिल को 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें बहुत ही स्लो रखनी है, स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे रोस्ट कर लेना है। अगर आप तिल को बहुत ज्यादा देर तक रोस्ट करेंगे तो इसके अंदर कड़वापन आ जाएगा, तो ये बात का आप खास ख्याल रखें कि गैस की फ्लेम को स्लो रखें और 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए तिल को अच्छी तरह से भून लें। मेजरमेंट के लिए आप जो भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसी कप या बाउल से आपको जो सारे मेजरमेंट है वो फॉलो करने हैं, तो ये बात भी आप जरूर से ख्याल रखें। जब भी आप तिल को रोस्ट करें तो आपको इस तरह से लगातार उसे चलाते रहना है। अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तिल हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, तो गैस अभी हम बंद कर देंगे और तिल को पहले अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो इसे एक अलग बर्तन के अंदर अभी हम निकाल लेते हैं। तिल जब अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तब उसे हम मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर जार को हमें कंटिन्यूअस नहीं चलाना है, लेकिन मिक्सर को चालू बंद करते हुए तिल को हमें दरदरा पीस लेना है। ध्यान रहे कि मिक्सर को कंटिन्यूअस नहीं चलाना है। अभी मैंने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अगर आप मिक्सर को कंटिन्यूअस चलाएंगे तो तिल अपना जो ऑयल यानी कि तेल है वो छोड़ देगा, तो ये बात आप ख्याल रखें और मिक्सर को कंटिन्यूअस ना चलाएं। तभी हमारे तिल अच्छी तरह से दरदरे ग्राइंड हो चुके हैं। मैंने अभी एक कप गुड़ लिया है। जिस कप से मैंने तिल लिया था उसी कप से मैंने गुड़ लिया है। अभी यहाँ पर मैंने कोल्हापुरी गुड़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो देशी गुड़ डालकर भी ये गजक बना सकते हैं। अगर आप देशी गुड़ डाल रहे हैं तो आपके गजक का कलर हल्का सा काला यानी कि डार्क होगा। अब एक नॉनस्टिक के अंदर हम 5 टेबलस्पून घी गर्म करने के लिए रख देंगे और उसके अंदर गुड़ डालेंगे। हमें अभी गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, यानी कि उसको पिघलाना है, उसे पकाना नहीं है। जब हम मूंगफली की या तो फिर ड्राई फ्रूट की चिक्की बनाते हैं तो गुड़ को पानी के साथ अच्छी तरह से पकाते हैं, लेकिन गजक बनाने के लिए गुड़ को हमें सिर्फ मेल्ट करना है। आप चाहे तो एक और तरीका भी है गजक बनाने का। आप तिल के साथ गुड़ को मिक्सर जार के अंदर ही पीस सकते हैं और फिर घी के साथ आप उसे मिक्स कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो तरीका इजी लगे आप वो कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर ही गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाएगा। आप इस तरह से उसे चलाते जाए ताकि गुड़ जो है वो सिर्फ मेल्ट हो, वो पकने ना लगे। अगर गुड़ थोड़ा सा भी पक गया तो गजक सॉफ्ट नहीं बनेगी। गुड़ अभी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो अब तुरंत ही इसके अंदर हम तिल डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तिल को हमें 2 पार्ट में डालना है। पहले थोड़े से तिल डालें, उसे मिक्स कर लें और फिर बाद में तिल डालें। मकर संक्रांत में हम जब भी मूंगफली की या तो फिर ड्राई फ्रूट चिक्की बनाते हैं तो वो क्रिस्पी होती है, लेकिन हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो लोग वो नहीं खा सकते। तो अगर आप इस तरह से गजक बनाएंगे तो ये इतनी सॉफ्ट है कि वो लोग आसानी से इसे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमें बस इसे सिर्फ मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तब गैस हम बंद कर देंगे। इसे हमें और चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस 10 मिनट में ही ये बहुत ही सॉफ्ट गजक बनकर तैयार हो जाती है। अभी हम इसे एक मोल्ड के अंदर पलट देंगे। मोल्ड को मैंने घी से पहले से ही ग्रीस कर दिया था। अगर आपके पास ऐसा मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी थाली या प्लेट में इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड है तो मैंने अभी इसका इस्तेमाल किया है। स्पैचुला से हम इसका लेवल सेट कर लेंगे। आप चाहे तो कोई कटोरी भी ले सकते हैं। किनारों की और क्रैक्स आएगी तो उसे आप अच्छी तरह से मिलाते जाएं। अगर इस तरह का स्पैचुला आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल करें, उससे बहुत ही आसानी रहेगी।
मैंने अभी इसे मीडियम थिक रखा है। अगर आपको इसे थोड़ा सा मोटा बनाना है तो इसे कम साइज का जो मोल्ड आता है उसमें जमने के लिए रखें, और अगर आपको इसे पतला करना है तो इससे थोड़ा सा जो मोटा मोल्ड आता है उसके अंदर आप सेट होने के लिए रख दें। अच्छी तरह से इसे इस तरह से लेवल करने के बाद हम इसे फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहे तो बाहर भी इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर इसे सेट होने में आधा से एक घंटा लग सकता है। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीज में 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्रीज के अंदर सेट हो जाएगा। किनारों को आप अच्छी तरह से ज्वाइन कर ले, नहीं तो जब इसे हम सेट होने के बाद निकालेंगे तो किनारे टूट जाएंगे। मैंने 10 मिनट इसे फ्रीज में रखा था। अब इसे हम कुकी कटर से कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे चौकर यानी कि स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन आज हम बाहर जैसी गजक तैयार कर रहे हैं तो इस तरह से इसे गोल शेप के अंदर कट कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया निकल कर तैयार हुई है। मैं इसी तरह से आपको दूसरी गजक भी बाहर निकाल के बता रही हूँ। आपके पास इस तरह का कुकी कटर नहीं है तो आप कोई भी छोटा सा ढक्कन या तो फिर छोटा ग्लास हो उससे भी इसे गोल शेप के अंदर कट कर सकते हैं। अभी मैंने इसे भी कट कर लिया है। कुकी कटर होगा तो बहुत ही आसानी से आप इसे बाहर निकाल पाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि उसका अंदर का जो टेक्सचर है वो कितना जबरदस्त बना है। इस तरह से कट करने के बाद इसे हम गार्निश करेंगे। गार्निश करना टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही बिना गार्निश किए भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर काजू और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। काजू और पिस्ता को हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक वो स्टिक हो जाए। तो मैंने अभी सारे गजक के ऊपर गार्निशिंग कर दिया है। तो हमारी चमचम गजक बनकर तैयार है। आप बाहर ही इसे 20 से 25 दिन तक बहुत ही आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो ये मकर संक्रांत पर आप ये गजक की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।